करना है और उसके लिए मैन पावर की भी जरूरत होगी। अभी मौजूदा वक्त में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से टेस्टिंग के लिए कतारों में खड़े हुए हैं लोग, और अब टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट है वो आ रहा है चार चार पांच पांच दिनों के बाद। तो ऐसे में जो बड़े मैन पावर की जरूरत पड़ेगी इस वैक्सीनेशन को अंजाम देने के लिए, उसके लिए भी तो बड़ी तैयारी करनी होगी। गौरव भाटिया जी, जल्दी से इसका आप जवाब दे दीजिए, जो बातें हमारे डॉक्टर्स की ओर से कही गई है, क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं और इन चुनौतियों से निपटना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए किस तरह की मदद आप लोग प्रोवाइड करेंगे और इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने का क्या रोड मैप है आपके पास? गौरव भाटिया, देखिए जैसा डॉक्टर कॉल ने कहा और यथार्थ ने भी कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, चुनौती बड़ी है लेकिन हमारा हौसला भी बड़ा हुआ है। और उनकी एक बात को बस मैं दुरुस्त करते हुए बता दूं, उन्होंने कहा 2% पॉपुलेशन को ही दोनों डोज लगी है, बिल्कुल डॉक्टर साहब 2-2.5% होंगे अगर आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि 9 से 10% ऐसी भी जनसंख्या है 135 करोड़ की आबादी के बाद जिनको एक डोज लग चुकी है। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि वैक्सीनेशन सबका एक ओवरनाइट हो जाएगा, कम समय में 10 दिन में हो जाएगा चित्रा जी, क्योंकि हमें अगर 60 से 70% जनसंख्या को लगाना है तो 140 से 160 करोड़ डोजेस चाहिए, ये बहुत बड़ी एक संख्या है, तो इसमें समय लग सकता है, लेकिन केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार को साथ साथ काम करना होगा। हमने क्या किया ये मैं जल्द बता दूं, स्पुटनिक की मैंने बात करी, उनको परमिशन दी गई, जो कोविशील्ड कोवैक्सीन है उनको पूरी तरह से वित्तीय सहायता भी करी जा रही है, और कोविशील्ड जिसकी मंथली कैपेसिटी प्रोडक्शन की 6 से 7 करोड़ थी, वो मई में अगले महीने जो 2-3 दिन दूर है 10 करोड़ हो जाएगी, और कोवैक्सीन जिसको 60 लाख का प्रोडक्शन कैपेसिटी था, अगले महीने 2-3 दिन बाद 1.5 करोड़ हो जाएगा, और दिसंबर तक प्रयास है 6 करोड़ डोजेस पर मंथ हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है, भ्रम की राजनीति क्यों की जा रही है, क्यों कोवैक्सीन के लिए कहा गया था कि ये टीका नहीं चाहिए छत्तीसगढ़ और पंजाब ने, आज वही टीका मांग रहे हैं। दूसरी बात, इनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन आज 4 बजे से शुरू हुआ है, ना कि कल रात से, ये अपने आप में दर्शाता है बिना तैयारी के आके यहाँ केवल भ्रम फैलाना और ये दिखाना कि केंद्र की सरकार नहीं कर रही है, जबकि जरूरत इसकी है कि इस वक्त कांग्रेस का हाथ देश के साथ हो, केंद्र सरकार के साथ हो, लेकिन ये केवल खंजर लेके आते हैं और चाहते हैं कि भ्रम की राजनीति करते हुए नागरिकों का नुकसान करें। वरना मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल जी, मैं आ जाऊं, कांग्रेस का हाथ केंद्र के साथ क्यों नहीं है? आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गौरव भाटिया बोल रहे हैं। 10 सेकंड और चाहिए, और कुछ 10 सेकंड प्लीज। देखिए एक और कैसे झूठ बोला गया, इन्होंने कहा महाराष्ट्र में कमी है, ये मेरे पास आंकड़े हैं, जब हमारी चर्चा चल रही है तो भी महाराष्ट्र में इस वक्त डोजेस थी जो करीब 8.5 लाख के करीब है, तो 8.5 लाख डोजेस के बावजूद ये लोग कहते हैं कमी चल रही है, अगर किसी सेंटर में नहीं पहुंचा तो ये तो प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि हर जिले हर सेंटर पहुंचे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है और आप कमियां निकाल रही हैं हमारी, और ये इनका जो चरित्र है ये बदलना। धन्यवाद, बोल चुके हो तो बिल्कुल सुप्रिया बोलिए, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो कमी ही नहीं है लेकिन कमी निकालने की चूंकि कांग्रेस की आदत है इस वजह से बोल रहा है। ठीक है सुप्रिया, नहीं मैं तो सबसे पहले 2-4 सवाल पूछना चाहती हूँ, कमी तो किसी की नहीं है, उसके बाद भी लोग सड़कों पे मर रहे हैं। खैर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 45 लाख का ऑर्डर जो मध्य प्रदेश ने प्लेस किया है, उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ का किया है, 66 लाख का हरियाणा ने किया है, और हम लोगों ने भी किया है, 50 लाख का छत्तीसगढ़ ने किया है, 30 लाख का पंजाब ने किया है, राजस्थान ने किया है। आपने ये तो बड़े आराम से कह दिया कि कांग्रेस की सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, कांग्रेस की सरकारों ने हाथ खड़े नहीं किए, कांग्रेस की सरकारों ने बताया कि हमें बोला गया है कि 15 मई से पहले नहीं मिल सकती है। क्या बाकी इन प्रदेशों को 15 मई से पहले मिल रही है? क्योंकि मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ, अगर उनको मिल रही है तो ये और भी बड़ी बात, और भी दिक्कत की बात हो गई कि भाई कुछ प्रदेशों को नहीं मिलेगी 15 के पहले, कुछ को मिलेगी तो इंस्टीट्यूट वाइज। दूसरा एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं, सीरम इंस्टीट्यूट इस समय 20 लाख डोजेज दिन की मतलब 6 करोड़ महीने की बना रहा है। इनका पता नहीं आंकड़ा कहां से, सीरम ने प्रेस रिलीज में भी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि वो 10 करोड़ डोजेज, मैं बीच में नहीं बोली थी, प्लीज ऑफर मी द सेम कर्सी, वो 10 करोड़ डोजेज जुलाई से ही बना पाएगा। कोवैक्सिन का भी यही हाल है, भारत बायोटेक 90 लाख जुलाई में ही बना पाएगा, अभी सिर्फ 60 लाख महीने की बना सकता है। स्पुटनिक की डोजेज मई के अंत में आएगी और डॉक्टर रेड्डी समेत जो 6 लाख और बना रहे हैं वो इसको सिर्फ जुलाई या अगस्त 2021 से ही बनाना शुरू कर पाएंगे।
तो थोड़ा भ्रम कम फैलाया जाए, क्योंकि दिक्कत की बात यह है कि 35,000 करोड़ का वैक्सीन का फंड लगा था। नहीं अभी मैं बोल रही हूँ, आप बीच में नहीं बोलते हैं भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलती, आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं? आप भी नाराज क्यों हो रही हो? आप प्लीज शांत रहिए, एक मिनट रुक जाइए। चालू हुआ था 4 बजे, मैं अभी बोलना चाहती हूँ चित्रा जी, अगर आप इस इंटरव्यू नहीं करेंगे तो आप लीडर शो वाले को, ठीक है? दिस इज नॉट हाउ दिस हैपेंड। क्या आपने सवाल पूछे हैं, अपनी बात खत्म कीजिए, उस पर मैं जवाब दे लूंगी। चित्रा जी ये गलत बात है, प्लीज नहीं। चित्रा जी एक एक करके अपनी बात रखिए, उनके बीच में ना मैं इंटरव्यू, नहीं नहीं ठीक है, उनके बीच में ना मैं इंटरव्यू करती हूं, आप सवाल पूछे तो मेरे बीच में भी कोई इंटरव्यू ना करें। हां, और मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि 35,000 करोड़ का एक फंड बना था वैक्सीनेशन का, उसने डुओपोली क्यों क्रिएट करी? 35,000 करोड़ के फंड का यूजेज क्या हो रहा है? बजट में अनाउंस हुआ था, ये जरूर आज जनता जानना चाहती है, कहाँ है वो 35,000 करोड़ रुपए, उसके साथ क्या किया जा रहा है ये जानना चाहती हूँ। 4 बजे से वेबसाइट क्रैश है और 1 मई में कहीं पर भी मिल नहीं रही है डोजेज। बेकार की बातें बंद कर दीजिए, डॉक्टर्स भी यहाँ पर कह रहे हैं, उन्हीं की थोड़ी इज्जत करिए कि वैक्सीन की कमी है हर जगह।